Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Abira Noor. Like करें, share करें, subscribe करें, notification के bell icon को on करें ताकि सबसे पहले मेरी video आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं अबीरा नूर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। ये अबिया बतून, अबिया बतून सबको हाय करो। अबिया टीवी में गुम है। अबिया व्यूवर्स को हाय नहीं करोगे आज आप? हैं? क्यों व्यूवर्स से नाराज हो? आपको सपोर्ट नहीं करते? ओ अबिया भाई, आप लोगों से हो गई अब नाराज। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे ना, लाइक भी नहीं करते हम लोगों को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना अबिया? ये देख मेरा बिल्ला अपनी मम्मा के साथ चिपक रहा है, गंदा काका हो गया ये। हाय हाय अल्लकी, कार्यो थी ना काका की हाय के नहीं तो गले ही किची प्यार। अरे मेकी के प्यार प्यार। देखो मेरी चिचकी आई है शरारत से भरी हुई मेरी चिचकी। अभी हा बतूल आज कौन आया था? टेडी प्लस अभी हा बतूल बिल्ला। देखो कैसी बेटा है वो, का खा ला है बिल्ला। ओ बिल्ली आज क्या किया तूने, मार खाई आज? मार खाई है ये? क्या कर रही है बच्ची? पटाखा है। गरीब का हाल बेहाल, जिंदगी से हुई परेशानी। देख बच्चे, ये बच्चे थो उनके अभिया ये अभी आने क्या माइक बनाया है? देखो उसका माशाल्लाह। जा 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 अपनी बहन के पास जा। नकी कोका देख चलता है पर चल नहीं सकता बद्दू। यार आज ना मेरे को चोट लग गई शोल्डर पे, हमको बड़ा दर्द हो रहा है। प्रे फॉर मी गाइस, और सर में भी दर्द हो रहा है। हो रहा है साथ और ये बड़ी गर्म हो रहा है, और ये यहाँ पे डिनर बन रहा है रात के लिए, दाल बन रही है, और ये बच्चों के लिए दलिया बना था जो खाते हैं नहीं बस। इनको कुछ नहीं बनना था यार, आज मेरा नमक बहुत खराब है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मेरा कहते हैं इंसान का दिल खुश होता है ना तो इंसान झोपड़ी में भी खुश होता है, अगर दिल खुश नहीं होगा तो इंसान बंगले में भी खुश नहीं रह सकता। यही हाल है, गरीब का हाल भी वाला है यार। सब लोग दुआ करें, और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस जिस इंसान की जो जो मुश्किल आते हैं वो सब दूर हो जाएं और सारे मसले ख़त्म हो जाएं, सुकून हो जाए। ये रमज़ान सबके लिए बरकत वाला साबित हो, और जो गरीब लोग हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करें, उनकी हेल्प करें। सब लोग क्या कह सकते हैं यार, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इतनी महंगाई, इतना महंगा रमज़ान तो कभी भी नहीं देखा। हर चीज़ महंगी। हुकूमत का क्या है, वो तो खुद अपने खजाने भरेंगे, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना वो बेचारे पिस गए। अल्लाह ताला सब की मदद करें, आमीन रब्बिल आलमीन। और यहाँ ना कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, इवन मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करता। सब लोग अपने मतलब दिए, जिसको जो मतलब होगा मतलब निकालेगा, और फिर टाटा बाय बाय। बस क्या कर सकते हैं, मतलब की दुनिया है, रहना तो है ना।
और यार मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। इसने काम में भी मेरे को बड़ा परेशान किया हुआ है। जिंदगी में अब मजा नहीं आ रहा, मेरा दिल करता है ना मैं सुसाइड कर लूं। इतनी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सब लोग मतलबी होते हैं, यहाँ सिर्फ मतलब के लिए है। पूरी दुनिया मतलबी है, अपने रिश्तेदार भी मतलबी होता है, कोई किसी का नहीं होता। जब जब जिस पे ट्रस्ट किया है ना, उसने ही धोखा दिया है। बहुत बुरी बात है, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह पाक कहते हैं कि सब चीजें मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जब किसी का दिल तुम दुखाओगे ना, तो मैं माफ नहीं करूंगा, जब तक वो इंसान तुमको माफ नहीं कर देता। और यहाँ पे ये चीज कोई भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। हर कोई हर किसी के मतलब निकालने के लिए बैठा हुआ है, कोई किसी का फायदा नहीं सोचता। इसका फायदा क्यों करूं, बेकार जिंदगी। अल्लाह पाक का शुक्र है, सब है, सब कुछ है, लेकिन जब सुकून ना हो ना जिंदगी में, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। हर चीज महंगी हो गई है। ये दूध जो है किलो 350 का, गरीब बेचारा क्या करेगा। हम लोग तो मिडिल क्लास लोग पे चलो जैसे तैसे करके कर लेंगे, और सबसे ज्यादा जो है वो मिडिल क्लास लोग बेचते हैं। हाँ, गरीब जो है वो तो हो जाएगा, क्योंकि पता है सबको रमजान में ये गरीब है, इनका होगा, ये होगा, वो होगा। जो सफेद पोश जो लोग हैं ना, वही तो पिसते रहते हैं बेचारे, उनका कोई नहीं है, वो कुछ कह भी नहीं सकते, उनका ईगो सामने आ जाते हैं। और वो सिर्फ अल्लाह, और मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, दुनिया से नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक गफूर रहीम है, अल्लाह पाक सबकी मदद करते हैं और अल्लाह पाक सबको देते हैं। और मेरे बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि भाई रमजान सब खैरियत से गुजर जाए। सब लोग अपने अपने पड़ोसी वगैरह आस पास के लोगों की मदद करिएगा, ये रमजान बहुत मुश्किल वाला है महंगाई को लेकर। चावल भी नहीं खा सकते, ये भी इतनी महंगी हो गई है। गोश्त के करीब इसकी प्राइस हो गई है। सिर्फ एक टमाटर लोगों ने सस्ते कर ही हम लोगों के ऊपर एहसान कर दिया है। फ्रूट तो इस दफा इतने महंगे कर देंगे ये लोग, अभी रमजान शुरू होने वाला है, बस देखिएगा फिर तो इन लोगों का तमाशा, इन लोगों का तो बिजनेस चलेगा। बेचारे गरीब और सूखा पूखा लगता है दस्तरखान बनेगा इस बार। गरीब का हाल बेहाल, क्या कर सकते हैं गरीब लोग, सोच जिंदगी पे। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबकी गरीबी मदद करे, और तो बस यही है मेरा, तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। बस अल्लाह पाक ना देने वालों में से बनाए, कभी किसी से लेने वालों में से ना बनाए। बस जब जो वक्त बुरा आता है ना, तब सबको सबका पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। सबसे पहले अपनी मुंह फेर लेते हैं, खैर क्या कर सकते। और बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के लोगों का जरूर ख्याल रखिएगा। रमजान आ रहा है, बहुत बरकत वाला महीना आ रहा है, इबादत करिएगा खूब सारी, इधर उधर के काम मत करिएगा, शैतान बंद हो जाता है। लेकिन आपके अंदर जो शैतान है ना, वो बंद नहीं हो सकता, वो आपके अंदर ऐसे बस चुका होता है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने कहा है शैतान को मैं बंद कर दूंगा, लेकिन शैतान ने आपके अंदर इतनी बुरी आदतें रखी हुई होती है ना, मुझ समेत में, सिर्फ आप लोगों की बात नहीं करती, मैं भी खुद कहती हूँ, और इतनी सुस्ती हो जाती है कि रमजान का महीना है जो रमजान गर्मियों में, खासतौर पर गर्मियों में जो रमजान आता है ना, कोई कोई रोजा रखता है, कोई कोई रोजा नहीं रखता, ऐसा लगता है कि भाई। और हालांकि मुस्लिम सिटी है हम लोगों की, हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा रमजान सारी चीजें बंद होनी चाहिए, सबको रोजा रखना चाहिए और सब लोग ऐसे इबादत करें, नमाज कुरान पाक पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। रोजा रखते हैं सारा सारा दिन, सोए रहते हैं, नमाज पढ़नी ना कुरान पाक पढ़ना, तो ये लोग, ये तुम लोगों का रोजा कबूल नहीं होगा। ठीक है, तो इबादत करें, फुल इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। ये जो मंथ है ना, वो किस्मत वालों को मिलता है, आप लोगों को मिल रहा है, तो प्लीज आप इसका फायदा उठाएं और अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से तलब करें। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वालों में से है। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच तो सच है ना। खैर मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी, लेकिन जो रमजान का मंथ है ना, वो खुसूसी इबादत के लिए होता है, तो प्लीज 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 प्लीज, 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 प्लीज
अपने लिए भी दुआ करिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी जितनी भी जिंदगी में मुश्किलात चल रही हैं अल्लाह पाक उसको दूर करे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी ना तबीयत के लिए भी दुआ करिएगा जो मेरे सर में दर्द है। अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। और बस दुआ में याद रखिएगा। आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ, कॉज मेरा आज मूड ख़राब है, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो काम भी मेरे पास आया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आप लोगों का प्यार होता है। बाकी आप लोग सपोर्ट करें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और आप लोग अच्छे हैं, मुझे पता है। माय यूट्यूब फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।